आप सबको तो पता ही होगा आजकल कोरियन ड्रामे कितने पॉपुलर होते जा रहे हैं, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, मैजिकल हो या रोमांस। अगर आप के ड्रामा के डाई हार्ड फैन हैं या इस जॉनर में नए हैं, तो भी आज जो मैं रोमांटिक कोरियन ड्रामा के बारे में बताऊंगा उसे देखकर आपका दिल पिघल जाएगा। एंड इस लिस्ट की हर ड्रामा मेरी भी फेवरेट है, तो बिना किसी इंतजार के वीडियो में शुरू करते हैं। बिजनेस प्रपोजल 2022 में ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको शिनहारी और खांग टेमू की कहानी को दिखाया जाएगा। शिनहारी कंपनी की एम्प्लॉय होती है और वो सिंगल होती है। उसका लंबे समय से एक क्रश होता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि उसके पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है। अब शिनहारी की दोस्त जिन युंगसियो, जो एक बहुत अमीर घर की इकलौती बेटी है, वो शिनहारी से मदद मांगती है। वो खुद के बजे शिनहारी को अपने जगह प्लेनेट पर भेजती है और उसे इस काम के पैसे भी देती है। और कहानी का मेन ट्विस्ट तो यही से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब शिनहारी उस ब्लेंडेड पर जाती है तब उसे उसकी कंपनी का, मतलब जिस कंपनी में वो काम करती है उस कंपनी का CEO होता है उसका ब्लाइंड है। और अपने दादाजी के ब्लाइंडेड के प्लान से बचने के लिए खांग टेमू शिनहारी को मैरिज प्रपोजल दे देता है। अब आगे क्या होगा? क्या शिनहारी इस नाटक से बच पाएगी या नहीं? क्या खांग टेमू को सच्चाई के बारे में पता चलता है या नहीं? ये सब आपको इसके ड्रामा में पता चल जाएगा। ड्रामा बहुत ही मजेदार है, हर एक लाइन में कॉमेडी है, रोमांस का तड़का भी अच्छा है, और आपको एक बार तो इस ड्रामा को जरूर देखना चाहिए। ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग्स मिली है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ये ड्रामा 2020 में आया था। इसकी स्टोरी बहुत यूनिक है। इसमें एक बच्चों की बुक राइटर के बारे में दिखाया गया है जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होती है, जो खूबसूरती के साथ बहुत डेंजरस भी होती है। और वो एक दिन अपने बुक इवेंट के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मून गैंग से होती है। एंड फिर बहुत से अजीबोगरीब मुलाकातों के बाद वो मून यांग को मून गैंग से प्यार हो जाता है। अब इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक वाली इस रोमांटिक कहानी को देखने में काफी अच्छा लगता है। इसमें आपको रोमांस कॉमेडी के साथ थोड़ा कहीं कहीं हॉरर का भी फील मिल जाएगा। आप इसमें सीओ जिन एंड किम सो यून की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इसकी स्टोरी लाइन भी आपको पसंद आएगी। इसमें आपको सस्पेंस भी मिलेगा और ट्विस्ट का तो पूछो ही मत, वो तो बहुत बड़ा है इसमें। एंड इसे IMDb पर 8.6 की रेटिंग दी गई है। एंड आप इसे एक बेहतरीन डब के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये ड्रामा 2013 में आया था। इसमें कुछ अमीर बच्चों की कहानी को दिखाया गया है जो एक अमीर हाई स्कूल में जाते हैं। इस कहानी का मेन फोकस किम कैन एंड चा यून संग पे किया गया है, जिसे ली मिन हो एंड पार्क शिन है प्ले कर रहे हैं। अब किम कैन एक बहुत ही अमीर घर का बेटा होता है और चा यून एक बहुत गरीब घर की होती है। एंड किम कैन चा यून से उनसे प्यार करने लगता है। अब अगर इसकी कहानी के बारे में और भी कुछ बता दिया तो वो स्पॉयलर्स हो जाएगा, जिससे आपका देखने का मजा थोड़ा खराब हो सकता है। बस इतना कहूंगा कि इसका पहला एपिसोड आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, पर सेकेंड एपिसोड से आप इस ड्रामा के फैन हो जाएंगे। आप इसे हिंदी में MX प्लेयर पर देख सकते हैं एंड इसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग्स मिली है। प्लेफुल किस, ये कहानी एक हाई स्कूल गर्ल की है जिसका नाम ओहानी है, जो स्कूल के सबसे पॉपुलर एंड इंटेलिजेंट लड़की रेक्सिंग जो को पसंद करती है, पर रेक्सिंग उसके प्रपोजल को मना कर देता है। फिर ओहानी उससे दूर रहना चाहती है, पर कुछ मजबूरियों की वजह से उन्हें एक ही घर में रहना पड़ता है। और फिर यहाँ से इनकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होती है। इस ड्रामा में कॉमेडिक मोमेंट्स भी बहुत हैं, मेन लीड के बीच की केमिस्ट्री भी आपको पसंद आएगी, और इनके धीरे धीरे बढ़ते रिश्ते को देखने में भी मजा आता है, और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी वेल रिटन है। थोड़े बहुत लोगों को ये कहानी थोड़ी स्लो लग सकती है और कहीं कहीं आपको लीड कैरेक्टर्स पे गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कभी कदार वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कोई भी सेंस नहीं बनाता। ओवरऑल प्लेफुल किस एक स्वीट एंड एंजॉयबल ड्रामा है जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली है एंड आप इसे हिंदी में MX प्लेयर पर देख सकते हैं। बॉयज ओवर फ्लावर, ये ड्रामा 2009 में आई थी और ये बेस्ड है जापानी सीरीज पे जो बेस्ड था जापानीज मांगा बॉयज ओवर फ्लावर पर। इस ड्रामा के कई रीमेक बने, पर सबसे पॉपुलर है ये कोरियन ड्रामा बॉयज ओवर फ्लावर। इसमें आपको ग्रेम जेनी की कहानी देखने को मिलेगी, जो गरीब घर की होती है और उसे एक स्कॉलरशिप मिलती है एक बहुत बड़े एलिट स्कूल के तरफ से। और फिर जब वो स्कूल में जाती है तब उसकी मुलाकात स्कूल के सबसे अमीर पॉपुलर एंड बदमाश चार दोस्तों से होती है, जिनको F4 बुलाया जाता है। अब इनमें से एक बू जुन पियो को जेनी से प्यार हो जाता है और वो हर एक रुकावट एंड चैलेंजेस को पार करता है अपने प्यार को साबित करने के लिए। स्टोरी लाइन बहुत ही इंगेजिंग है। इसमें आपको कहीं कहीं लव ट्रायंगल भी देखने को मिल जाएगा एंड जेनी की वजह से इन चारों दोस्तों की पूरी लाइफ बदल जाती है।
इसमें लीड कैरेक्टर्स की दोस्ती को भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। इस ड्रामा में रोमांटिक एंड कॉमेडी सीन्स के साथ कुछ इमोशनल सीन्स भी है जो आपका कहीं के दिल भी तोड़ेंगे और कहीं के आपको रुला भी देंगे, और ये एक मस्ट वॉच ड्रामा है। और हाँ, इस ड्रामा की दो डबिंग से, और अगर मैं सच बताऊँ तो मतलब मेरे ओपिनियन से पुरानी डबिंग बहुत ही अच्छी है। आपको नए वाले डबिंग में वो फील नहीं आएगा जो पुराने वाले डबिंग में है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, ये इस ड्रामा पर जरूर लागू होता है। इस ड्रामा को IMDb पर 7.8 की रेटिंग्स दी गई है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट के ड्रामा में से एक है। एंड मैं आप सबको एक बार इस ड्रामा को देखने के लिए जरूर रिकमेंड करता हूँ, पर पुरानी वाली डबिंग। आप दोनों डबिंग्स खुद ही देख सकते हैं, पर आपको पुरानी वाली डबिंग सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये ड्रामा आपका टाइम थोड़ा भी वेस्ट नहीं करता और आपको एक यूनिक एंड एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस कराएगा। सो गाइस, ये थी आज की कुछ मेरी फेवरेट कोरियन ड्रामा, जिसे देखने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इनमें से आपने कौन सा ड्रामा देखा है या आप देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।